नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोगों को बहुत से डाउट रहते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या डिफरेंस रहता है, उनमें क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम किसे कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम एक यौगिक क्रिया है जिसमें तीन तत्व होते हैं। पहला है पूरक, पूरक मतलब श्वास लेना। दूसरा कुंभक, श्वास रोकना। तीसरा रेचक, श्वास छोड़ना। अब हम जानते हैं पूरक होता क्या है। पूरक में क्षमता के अनुसार नियंत्रण के साथ गहरा श्वास और लंबा श्वास लिया जाता है, इसको पूरक कहते हैं। दूसरा है कुंभक, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को अंदर रोक के रखना। तीसरा रेचक, रेचक का अर्थ है नियंत्रित तरीके से लंबा श्वास छोड़ना, मीन्स आपकी पूरी सजगता होनी चाहिए श्वास छोड़ते समय और गति के साथ आपको धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। प्राणायाम इन्हीं तीन चरणों से मिलकर बना है, इसे ही कहते हैं प्राणायाम। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं प्राणायाम के बारे में, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है प्राणायाम की, वो जानते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। महर्षि पतंजलि कहते हैं आसन के सिद्ध हो जाने के बाद प्राणायाम की बारी आती है। प्राणायाम में आपको श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को स्थिर करना होता है, उस गति को रोक देना होता है, यही अवस्था कहलाती है प्राणायाम की, इसी को कहते हैं प्राणायाम। अब हम डिफरेंस जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या है। इन दोनों प्राणायाम में सिर्फ छोटा सा अंतर है, जो यह है कि नाड़ी शोधन में कुंभक लगता है, नाड़ी शोधन करते वक्त हमें श्वास को रोकना होता है, जबकि अनुलोम विलोम में कोई कुंभक नहीं लगता। बस दोनों प्राणायाम में यही अंतर है। दोनों प्राणायाम की श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया एक जैसे ही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बस इतना सा ही अंतर है नाड़ी शोधन प्राणायाम में और अनुलोम विलोम में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधी रखें, आंखें पूरे अभ्यास के दौरान बंद रहेंगी, मांसपेशियां पूरी तरीके से ढीली रहेंगी और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई जकड़न नहीं रहेगी, शरीर एकदम स्थिर और सीधा रहेगा। और सबसे पहले आप अपने दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाइए, अंगूठे के बगल वाली पहली दो उंगलियों को मोड़ लीजिए और अंगूठे को अपने दाएं नासारंध्र पर रख लीजिए। बाएं हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाइए और बाएं हथेली को अपने बाएं घुटने पर रख लीजिए। आप धीरे से बाएं नासारंध्र से श्वास को लंबा गहरा लीजिए, श्वास को रोक लीजिए, दोनों नासारंध्र को बंद कीजिए। श्वास थोड़ी देर रुकने के बाद अब अपने दाएं नासारंध्र से श्वास को पूरी तरह से धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब पुनः दाएं नासारंध्र से श्वास को लीजिए, दोनों नासारंध्र को बंद कीजिए, श्वास को रोकिए कुछ देर तक। अब धीरे से बाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, मींस बाएं तरफ से पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से आपका एक चक्र पूरा हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। जहां से आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू किया था वहीं से उसी को एंड करना है। बाएं से शुरू किया था तो बाएं से ही आपको उसको ख़त्म करना है। इस प्रकार से आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, श्वास लेने श्वास छोड़ने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब इस अभ्यास को करते हैं तो उनके श्वास लेने श्वास छोड़ने की आवाज़ आती है, जो कि गलत है, गलत तरीके से किया जाता है, इस प्रकार से नहीं करते। बिना आवाज़ किए हमें श्वास लेना है श्वास छोड़ना है, इस तरह से अभ्यास को करना है। दूसरा है
श्वास छोड़ने का समय श्वास लेने के समय से ज़्यादा होना चाहिए। हमें श्वास को ज़्यादा देर तक छोड़ना है श्वास लेने की अपेक्षा, हमें ज़्यादा सेकंड तक श्वास को छोड़ना है और श्वास लेना उससे कम है। जैसे कि आपने 5 काउंट तक श्वास लिया, आपको 10 काउंट तक श्वास को छोड़ना है, डबल आपको एक्सहेलेशन करना है। इस तरह से आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद रहेंगी और इसमें भी आपको दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाना है, बाएं हाथ की हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाना है। बाएं घुटने पर रख लीजिए अपने बाएं हाथ को, आप लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, अपने आप को पूरी तरह से शांत कीजिए। अब अभ्यास को शुरू करेंगे। इसमें भी दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाते हुए अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासारंध को बंद कर लीजिए। अब बाएं से धीरे से लंबा गहरा सांस लीजिए। अब धीरे से दाएं से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। पुनः दाएं ओर से सांस को लीजिए और धीरे से बाएं ओर सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। ये थी विधि कैसे आपको नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, किस तरह से इन दोनों प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम के डिफरेंसेस पता चल चुके हैं, दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।